नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। और इस वीडियो में खास मैं आपको बताऊंगी कि आपको शारदीय नवरात्रि में पूजा के दौरान कौन से धातुओं के पात्रों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप इन बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आप उल्टा असर पड़ सकता है और माता आपसे नाराज हो सकती हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप नए हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हिंदू धर्म में पूजा पाठ का विशेष महत्व होता है और मान्यता है कि पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है और साथ ही मन की शांति के लिए भी लोग पूजा पाठ करते हैं। और इसके साथ ही इच्छा पूर्ति के लिए लोग पूजा के जरिए भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। और कहा जाता है कि पूजा के जरिए भगवान अपने भक्तों से प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। और जिनके घर में नियमित देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है उस घर में भगवान का वास होता है। हालांकि पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख भी किया गया है कि पूजा अर्चना करते समय अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो उस पूजा का फल नहीं मिलता है। और ऐसे में पूजा करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं उन बातों पर जिन पर आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो पूजा के दौरान इस्तेमाल होने वाले बर्तन का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए और लोहे में जंग लगने के कारण उन्हें शुद्ध नहीं माना जाता है और इसीलिए पूजा में लोहे के बर्तन को भूल कर भी ना इस्तेमाल करें। हालांकि शनिदेव की पूजा में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा, पूजा और धार्मिक क्रियाओं में लोहा, स्टील और अल्मोनियम को अपवित्र माना जाता है और इस धातुओं से मूर्तियाँ भी नहीं बनाई जाती हैं। और साथ ही लोहे में हवा पानी के कारण जंग लगता है और अल्मोनियम धातु के कालिख निकलती है और इसीलिए इन धातुओं का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ कहा जाता है कि चांदी चंद देव का प्रतिनिधित्व करती है और इसलिए चंद देव की पूजा के दौरान के आशीर्वाद स्वरूप शीतलता, सुख शांति प्रदान करता है। लेकिन देव कार्य के दौरान चांदी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और चांदी खरीदारी से समाज के प्रत्येक मनुष्य को भगवान चंद देव का आशीर्वाद स्वरूप शीतलता, सुख शांति प्राप्त होती है और इसके बावजूद भी देव कार्य में इसको अशुभ माना जाता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि आपको किस धातु का इस्तेमाल करना चाहिए पूजा के दौरान। तो धार्मिक मान्यता है कि देवताओं को तांबे बहुत ही प्रिय होते हैं और इसीलिए किसी भी देवता की पूजा के दौरान तांबे के बर्तन का इस्तेमाल शुभ माना जाता है। और तांबे के पात्र में कुछ भी अर्पित करने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं और ऐसे में पूजा के समय आप तांबे के बर्तन का उपयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और ऐसे लेटेस्ट वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार और अपना ध्यान रखें।